हाय स्टूडेंट्स आज की इस क्लास में हम कंजंक्शन के बारे में सीखने वाले हैं इट इज़ अ वर्ड विच जॉइंस टू सेपरेट सेंटेंसेस और वर्ड्स कंजंक्शंस आर जॉइनिंग वर्ड्स दैट कनेक्ट वर्ड्स ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स और सेंटेंसेस टुगेदर। तो कंजंक्शंस का डेफिनेशन के हिसाब से उसका मतलब क्या हुआ एक ऐसा वर्ड होता है जो दो वर्ड्स को कनेक्ट कर रहा है दो ग्रुप ऑफ वर्ड्स को ग्रुप दो अलग अलग ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स है उनको कनेक्ट कर रहा है या फिर दो सेंटेंसेस है उनको कनेक्ट कर रहा है ऐसे वर्ड्स को हम कंजंक्शन कहेंगे एग्जाम्पल टेरर एंड बंस दो वर्ड्स हैं इन दोनों वर्ड्स को हमें एक साथ लिखना है टेरर को और बंस को तो हम बोलेंगे टेरर एंड बंस ये हो गए हमारे वर्ड्स टेरर द लायन एंड बंस द रैबिट यह होगा हमारे ग्रुप ऑफ वर्ड्स टेरर द लायन ये एक सेंटेंस नहीं है क्योंकि इससे कुछ हमें मीनिंग निकल के नहीं आ रहा दिस इज नॉट मेकिंग कंप्लीट सेंस सो दिस इज नॉट अ सेंटेंस बट इट इज ओनली अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स और एक दूसरा ग्रुप ऑफ वर्ड है हमारे पास बंस द रैबिट अगेन ये भी सेंटेंस नहीं है इट इज जस्ट अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन दोनों को कनेक्ट करके हम एक सेंटेंस बना सकते हैं जैसे कि टेरर द लायन एंड बन द रैबिट इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए हमने यूज किया है एंड ऊपर भी हमने यूज किया था एंड तो एंड हमारा हो गया एज अ कंजंक्शन टेरर इज स्ट्रांग एंड बन इज वाइज ये दोनों सेंटेंसेज है दो सेंटेंसेज है एक कह रहा है कि टेरर स्ट्रांग है और बन वाइज है ओके okay, टेरर से हमारा मतलब यहाँ पर लायन है और बन मतलब रैबिट आपने सुना होगा बनी रैबिट ओके okay, रैबिट को बनी कहते हैं तो बन टेरर अगर स्ट्रांग है तो रैबिट हमारा वाइज है ओके okay, टेरर इज स्ट्रांग एंड बन इज वाइज तो हमने यहाँ पे यूज किया कंजंक्शन एंड को इन सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए वाई यूज कंजंक्शंस कंजंक्शंस को हमें क्यों यूज करना चाहिए कंजंक्शंस इम्प्रूव राइटिंग स्किल्स एंड हेल्प टू कंस्ट्रक्ट बेटर सेंटेंसेस विदाउट कंजंक्शंस द राइटिंग अपियर्स इेगुलर एंड डिसकनेक्टेड अगर हम कंजंक्शंस को यूज़ कर रहे हैं हमारे सेंटेंसेज में तो वहाँ पर हमारे राइटिंग स्किल्स अच्छे इम्प्रूव हो जाएंगे और हमारे सेंटेंसेज बेहतरीन बनेंगे कंजंक्शन के बिना हमारी राइटिंग इरेगुलर और डिसकनेक्टेड लगेगी एग्जाम्पल देखिए दिल्ली एंड आगरा दो वर्ड्स हैं दिल्ली एंड आगरा इन दोनों को मैंने कनेक्ट करने के लिए क्या यूज किया है अगेन एंड को यूज किया है ओके okay? अगर इनके सेंटेंसेस बनाना है मुझे तो दिल्ली इज अ बिग सिटी एक सेंटेंस हो गया और दूसरा सेंटेंस है आगरा इज अ स्मॉल सिटी हम्म ओके अब इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए मैं यूज कर रहा हूँ बट को बट को यूज करके दो सेंटेंसेस का एक सेंटेंस बना रहा हूँ इसे हम कहेंगे दिल्ली इज़ अ बिग सिटी बट आगरा इज़ अ स्मॉल सिटी दिल्ली एक बड़ा शहर है लेकिन आगरा एक छोटा शहर है इस तरह से हम लोग कंजंक्शन को यूज़ कर सकते हैं ये जो वर्ड्स यहाँ पर मैंने लिखे हैं ये हम लोग यूज़ करते हैं कॉमनली एज कंजंक्शंस एंड बट और नॉर सो एज इफ एट आप वीडियो को पॉज पॉज करके इन वर्ड्स को नोट डाउन कर सकते हैं अब मैं आपको जो मोस्ट कॉमनली यूज कंजंक्शंस हैं कुछ फाइव कंजंक्शंस हैं वो बहुत ज़्यादा यूज होते हैं तो उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा फर्स्ट मेरा वर्ड है एंड ओके वी यूज़ कंजंक्शन एंड टू ज्वाइन टू सेंटेंसेज दैट आर रिलेटेड टू वन अनदर अगर दो सेंटेंसेस एक दूसरे से कुछ रिलेशन रखते हैं उन दोनों का रिले रिलेटेड है तब हम उनको एंड से कनेक्ट करेंगे या फिर हम यूज करेंगे कंजंक्शन एंड एग्जांपल, द फार्मर्स ग्रो टोमेटोज एंड पोटैटोज ओके किसान क्या उगा रहे हैं टोमेटो और पोटैटो उगा रहे हैं तो इसे हम बोलेंगे दो सेंटेंस बनाने की जगह यहाँ पर दो सेंटेंस भी हो सकते हैं द फार्मर्स ग्रो टमेटोज द फार्मर्स ग्रो पोटैटोज इन दोनों को मिला के एक ही सेंटेंस बन जाएगा द फार्मर्स ग्रो टोमेटोज एंड पोटैटोज ओके okay, यहाँ पर फिर देखिए दो सेंटेंसेस है ही सिंग्स वेल ही डांस इज वेल टू अब यहाँ पर कॉमन चीज़ है ही मतलब वो एक कोई लड़का है या एक आदमी है जो कॉमन है उसके साथ साथ उसके अंदर दो खासियतें हैं वो अच्छा गाता भी है और वो अच्छा नाचता भी है तो यहाँ पर दोनों के बीच में एक रिलेशन बन गया है। इस रिलेशन को यूज़ करने के लिए हम लोग कंजंक्शन एंड का इस्तेमाल करेंगे ही सिंग्स एंड डांस तो इसे हम कैसे बोलेंगे वह अच्छी अच्छा गाता और नाचता है और एक बार हम एंड को यूज करते हैं वी यूज एंड टू ज्वाइन अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स कभी कभी हमारे Uh, किसी सेंटेंस में एक लिस्ट बन जाती है वर्ड्स की जिसमें तीन चार पाँच या छः वर्ड्स आ जाते हैं तो ऐसे वर्ड्स को ज्वाइन करने के लिए हम एंड का इस्तेमाल करते हैं जैसे कि आई लव टू रीड डांस एंड ट्रैवल ओके फर्स्ट जब फर्स्ट मेरा वर्ड हो गया रीड उसके बाद मैंने लगाया कॉमा उसके बाद लगाया मैंने डांस और जो लास्ट वर्ड है मेरा ट्रैवल लास्ट वर्ड के पहले हम लोग एंड यूज़ करेंगे अगर इसकी जगह पे चार वर्ड्स होते जैसे कि आई हैव आई हैव कलर्स ब्लैक कॉमा वाइट कौमा रेड एंड ग्रीन मेरे पास चार कलर हैं कौन कौन से ब्लैक वाइट रेड एंड ग्रीन जो लास्ट वाला वर्ड है उसके पहले हम एंड का यूज़ करेंगे दूसरा कंजंक्शन जो बहुत कॉमनली यूज होता है वो है बट ओके बट को हम यूज़ करते हैं वी यूज बट टू जॉइन sentences दैट शो contrast विथ each अदर contrast का मतलब अपोजिटनेस होना चाहिए हाँ जुदा अलग अलग हो एक का अगर एक कोने पर है तो दूसरा दूसरे कोने में हो ऐसे वर्ड्स को हम बोलेंगे कॉन्ट्रास्ट एग्जाम्पल शी डेंट लाइक टी शी लाइक्स कॉफी उसे चाय पसंद नहीं है वो कॉफी पसंद करती है तो यहाँ पर देखिए एक जगह पर पसंद है और एक जगह पर पसंद नहीं है तो हम उसको कैसे लिखेंगे शी डजेंट लाइक टी बट शी लाइक्स कॉफी उसे चाय पसंद नहीं है लेकिन उसे कॉफ़ी पसंद नहीं है बट का मतलब होता है लेकिन तो यहाँ पर कॉन्ट्रास्टिंग है एक जगह पर नेगेटिव है उसको पसंद नहीं है दूसरी जगह पर एफर्मेटिव है पॉजिटिव है उसको पसंद है माई फ्रेंड इज स्मार्ट माई फ्रेंड इज लेजी दो सेंटेंसेज है मेरा फ्रेंड स्मार्ट है मेरा फ्रेंड लेजी है तो इसे हम कैसे बोलेंगे माई फ्रेंड इज स्मार्ट बट लेजी मेरा फ्रेंड स्मार्ट है लेकिन आलसी है लेजी का मतलब होता है आलसी अगला जो कॉमनली यूज कंजंक्शन है वो है और वी यूज और टू ज्वाइन सेंटेंसेस दैट शो चॉइसिस ऐसी जगह पर जहां पर चॉइस हो हमारे पास ओके चुनाव करने के लिए कुछ ऑप्शंस हो तो वहां पर हम यूज करेंगे और को लायन मस्ट ईट और ही विल फेंट लायन मस्ट ईट ही विल फेंट दो सेंटेंसेस है तो हम इसको एक ही सेंटेंस बना सकते हैं लायन मस्ट ईट और ही विल फेंट लायन को खाना चाहिए वरना वो बेफेंट मतलब बेहोश होना बेहोश हो जाएगा आई मे ईट एट अ रेस्टोरेंट मैं रेस्टोरेंट में खा सकता हूं आई मे ऑर्डर अ मील मैं खाना ऑर्डर कर सकता हूं तो इन दोनों सेंटेंसेस को ज्वाइन करके एक सेंटेंस बनाने के लिए हम लोग और का इस्तेमाल करेंगे आई मे ईट एट अ रेस्टोरेंट और आई मे ऑर्डर अ मील मैं रेस्टोरेंट में खा सकता हूँ या मैं खाना मंगवा भी सकता हूँ नेक्स्ट वर्ड है सो so. सो so को हम यूज करते हैं टू ज्वाइन सेंटेंसेस टू शो द पर्पज ऑफ समथिंग किसी चीज का कुछ हमें पर्पज दिखाना है पर्पज यानी की मकसद ओके okay. दिखाना है तब हम यूज करेंगे वर्ड सो so को आई वॉज लेट आई टुक अ टैक्सी ओके दो सेंटेंसेज है आई वॉज लेट मैं देर मुझे देर हो रही थी मैंने टैक्सी ली तो यहाँ पर हम लिखेंगे आई वॉज लेट सो आई टुक टैक्सी मुझे देर हो रही थी इसीलिए मैंने टैक्सी ले ली आई वर्कड हार्ड आई टॉप द टेस्ट मैंने मेहनत की मैं टेस्ट में अव्वल नंबर पे आया तो इसको भी हम ज्वाइन कर सकते हैं आई वर्कड हार्ड सो आई टॉप द टेस्ट मैंने मेहनत की इसलिए मैं टेस्ट में अव्वल नंबर पे आया अगला वर्ड है बिकॉज वी यूज बिकॉज टू ज्वाइन सेंटेंसेस दैट गिव रीजन और आंसर द क्वेश्चन वाय हम बिकॉज का इस्तेमाल करते हैं ऐसे समय पे जब कोई हमें रीजन दे रहा है कारण बता रहा है या अगर कोई क्वेश्चन आया हमारे सामने जो पूछा गया है वाई से क्यों जब क्यों का सवाल आता है तब हम बिकॉज को यूज करते हैं द टीचर मी एक सेंटेंस हो गया आई केम लेट टू क्लास मैं क्लास को लेट आया ठीक है तो अब इसको हम क्यों तुम आप क्लास को क्यों लेट आए वाई डिड यू कम लेट टू द क्लास द टीचर पनिश्ड मी बिकॉज आई केम लेट टू क्लास तो इसका क्वेश्चन होगा वाई डिड द टीचर पनिश यू द टीचर पनिश्ड मी बिकॉज आई केम लेट टू क्लास मैं क्लास में लेट आया इसलिए टीचर ने मुझे पनिश किया वाई आर यू hungry today? आप आज भूखे क्यों हो आई वॉज hungry today. आई forgot माई लंच बॉक्स तो जब यहाँ पे वाई आ रहा है वाई आर यू hungry today? आप आज भूखे क्यों हो आई वॉज hungry today बिकॉज आई forgot माई लंच बॉक्स एट होम मैं आज मैं भूखा रहा क्योंकि मैं अपना खाने का डिब्बा लाना भूल गया तो इस तरह से हम लोग कंजंक्शंस का इस्तेमाल करते हैं अपनी राइटिंग को इम्प्रूव करने के लिए सेंटेंसेस को बेहतर बनाने के लिए ताकि सुनने वाले को और पढ़ने वाले को हमारे सेंटेंसेस अच्छे लग सकें आप असाइनमेंट कीजिए इन सेंटेंसेस को थोड़े से वर्ड्स जो मैंने ऊपर बताए थे आपको उन सेंटेंसेस को उन वर्ड्स को यूज़ करके कुछ सेंटेंसेस बना के कंजंक्शंस को यूज़ करना अपने राइटिंग में स्टार्ट कर दीजिए तो आपकी राइटिंग बहुत अच्छी लगेगी आप जो लिख रहे हो वो पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा थैंक यू